हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज के वीडियो में हम लाए हैं एक और प्रोडक्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। ये है बूम स्टैंड। ये नॉर्मल लाइट स्टैंड जैसा ही आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड बूम आर्म है। तो अगर आप इसको एज नॉर्मल लाइट स्टैंड यूज़ करते हैं तो इसकी एक्सटेंडेड हाइट आपकी जाएगी 13 फीट तक। मैं आपको एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। इस ये पहला लॉक, ये आपका दूसरा लॉक, और एक और होगा इसमें तीसरा लॉक। तो आप देख सकते हैं जैसे अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो मुझे लग रहा है 12 फीट के आसपास इसकी एक्सटेंडेड हाइट आ रही है। पूरा हमने एक्सटेंड कर दिया है तो 12 फीट की इसकी एक्सटेंडेड हाइट है जिसमें स्टेबल है। तो अगर आपको हाइट चाहिए स्टेज पे शूट करना है या नॉर्मली भी किसी केस में आपको हाइट चाहिए हो तो आप इसको हाइट पे एक्सटेंडेड यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट है। अब इसको वापस नीचे ले आते हैं, फिर इसका बूम आर्म वाला फंक्शन आपको दिखाते हैं। अब इसको हम नीचे ले आए। फोल्डेड हाइट पे उसके बाद आपका बूम आर्म का फंक्शन आएगा। अब बूम आर्म पे आप ये जो रॉड है दिख रही है आपको, या तो इसको एक्सटेंड करके भी यूज़ कर सकते हैं या मिनिमम हाइट पे यूज़ कर सकते हैं। तो आर्म ये वाला पोर्शन है तो इसको निकालने के लिए आपको इसको लूज़ करके यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये आम बाहर आ जाएगा आपका। उसके बाद अब इसको यहाँ से लूज़ करके टिल्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका बूम आम। तो बूम आम पे आप नॉर्मली किसी भी एंगल में रोटेट करने के बाद इसको टाइट कर सकते हैं। इसका यहाँ से टाइट हो जाएगा नीचे से, अभी रुक गया है। उसके बाद अगर आपको हाइट बढ़ानी है और तो आप नीचे वाले इसको खोल सकते हैं और इसको हाइट ले जा सकते हैं इतनी। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका बूम आर्म फंक्शन पे इसकी जो हाइट आ रही है फुली एक्सटेंडेड में 5.5 फीट के आसपास आ रही है। और आर्म आपका अभी पूरा नहीं खुला है, इसमें हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपका हो गया अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट का आम हो गया, 6 फीट का ही होगा तो वही 12 फीट आपका जो है। इस केस में यहाँ पे आपका वेट लगाने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप वेट लगा सकते हैं। उसके लिए इसके साथ पाउच भी आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको स्टेबल करने के लिए इसके साथ ये पाउच आता है जिसमें आप वेट डाल सकते हैं। इसमें ये है आपका क्लिप है, क्लिप आपका इसके पीछे अटक जाएगा ऐसे। क्लिप अटकाने के बाद आप इसमें कुछ भी वेट डाल सकते हैं, सैंड बैग इसको बोलते हैं। इसके अंदर 2 ज़िपर हैं, ज़रूरी नहीं आप सैंड ही डालिए, कोई भी चीज़ आपको हैवी आप वो डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, फ्रंट हैवी नहीं होगा और गिरेगा नहीं। और स्टेबिलिटी के लिए आप इसको और पीछे ले जा सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, क्योंकि इतना लंबा एक्सटेंशन चाहिए नहीं होता। इसको आप थोड़ा पीछे करके यहाँ पर भी अटका सकते हैं। और आर्म की लेंथ कम करनी हो तो कम कर लो, जितना कम होगा उतना स्टेबल होगा। तो इस पर आप नॉर्मली अपने लाइट्स भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी SL60, AD600 और ये सब आपकी जितनी भी वीडियो लाइट्स हो गई या फोटोग्राफी की स्ट्रोब्स, SK400 फ्लैशेस भी लग जाएंगी इस पर क्लैम्प या एस ब्रैकेट लगा के। और अगर आपको बाय चांस कैमरा लगाना है तो कैमरा लगाने के लिए आप इससे टेबल टॉप का काम भी कर सकते हैं। जैसे ये टेबल पड़ी आपको दिख ही रहा होगा, इस टेबल पर हम कर सकते हैं काम, हाइट अपनी कम करके टेबल टॉप भी इस पर काम हो सकता है एंगल एडजस्ट करके। जैसे ये हो गया तो इस पर हम टेबल टॉप कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट माउंटिंग करना सेफ़ नहीं रहेगा, तो पहले आपको क्लैंप लगा के एक हेड लगाना पड़ेगा। हेड लगा के उसके ऊपर आप अच्छा सा स्टेबल एंगल करके यहाँ पे अपना या तो कैमरा से शूट कर सकते हैं या अपने फ़ोन से शूट कर सकते हैं, सारे ऑप्शन इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन हेड चाहिए होगा उसके लिए, और लाइट के लिए तो ये बना ही है तो लाइट तो लगी जाएगी इसके अंदर। यहाँ पर वेट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो हाथ या तो पकड़ के करना पड़ेगा क्योंकि फ्रंट हैवी होगा तो ऐसे गिर जाएगा, क्योंकि खुद ये बहुत लाइट वेट है।
आपसे, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो का है टोटल, 2 से 3 किलो का है। कुछ पार्ट मेटल है इसका, कुछ प्लास्टिक है, लेकिन स्टेबल प्रोडक्ट है और प्राइजिंग भी डिसेंट है। तो प्राइजिंग मैं आपको बता देता हूँ, इसकी प्राइजिंग है 2800 रुपये, प्लस अगर आप दिल्ली से बाहर मंगाते हो तो उसकी शिपिंग चार्जेज भी लगेंगे क्योंकि बल्कि आइटम है। स्टोर प्राइस इसका 2800 है और ये इंडियन मेड प्रोडक्ट है अच्छी क्वालिटी का। तो आप ख़रीदना चाहें तो हमारे स्टोर विज़िट करते हैं। इसका नाम है गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल। बाय।